उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात में एक महिला हेड कांस्टेबल का रेप हो गया जब वो अपने घर जा रही थी छुट्टी लेकर के करवा चौथ मनाने के लिए। पूरी घटना इस प्रकार है, 29 साल की हेड कांस्टेबल होती हैं जो सेन पश्चिम पारा थाने पहुंचती हैं शनिवार की रात को और वहां पे एक FIR दर्ज करवाती हैं, मुकदमा लिखवाती हैं, जिसमें वो बताती हैं कि मैं अयोध्या में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात हूं और इन दिनों सुल्तानपुर में ड्यूटी है। शनिवार को छुट्टी लेकर घर के लिए निकली क्योंकि करवा चौथ का त्यौहार था। सादे कपड़ों में थाना क्षेत्र नरवल के पाली में उतरकर अपनी ससुराल थाना सेन पश्चिम पारा पैदल जा रही थी। रास्ते में बुधेड़ा गांव का रहने वाला एक युवक मिला जिसका नाम कल्लू उर्फ धर्मेंद्र पासवान। उसने अपनी बाइक पर बैठाया और रात के करीब 7:30 बज रहे थे। सुनसान रास्ते पर कल्लू उसे जबरन सड़क किनारे बाजरे के खेत में उठा ले गया और उसने उसके साथ दरिंदगी जब करनी शुरू की, उसके कपड़े वपड़े फाड़े, तो महिला ने जब खेत में जाने के दौरान ही उसका विरोध करना शुरू किया, उसके चेहरे को नोच लिया, उसकी उंगली को चबा डाला अपने दांतों से, जिसमें महिला का एक दांत भी टूट गया, उसका चेहरा भी बुरी तरीके से बर्बाद हो गया है। इसके बाद बताते हैं आरोपी नहीं रुका और बाजरे के खेत में ले जा कर के महिला के कपड़े फाड़ कर उसके साथ बुरी तरीके से दुष्कर्म किया, उसके शरीर को नोच डाला और महिला जब बुरी तरह चिल्लाई वहाँ से तो कुछ लोग बचाने आए तो वो वहाँ से भाग गया। तो ADCP होते हैं मनोज कुमार, वो बताते हैं सूचना मिलने पर तुरंत सर्च अभियान चलाया गया और आरोपी की पहचान हो गई क्योंकि उसकी उंगली कटी हुई थी, चेहरे पर चोट थी, तो आरोपी को पकड़ा गया और उसको पकड़ करके कोर्ट में पेश किया गया और जेल भेजा गया। तो साथियों बेहद हैरान करने वाली घटना है, उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत एक महिला सिपाही का रेप हो जाता है जो कि बेहद सोचने वाली बात है।